बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं, होंडा सिविक। ये देख लें, एक्सीडेंट है और इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पूरी देखनी है वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो ये गाड़ी देख लें जी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है। ये इसका क्वार्टर पैनल देख लें, इसको फेंडर भी कहते हैं लोग, क्वार्टर पैनल भी कहते हैं, इसको पिछला मरगाड़ भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तो हम इसको क्वार्टर पैनल कहेंगे। तो ये एक्सीडेंट है, ये कोई चीज़ इसके अंदर आके लगी है, गालबन कोई ट्रक वगैरह मेरे ख्याल से इसमें लगा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा ये पीसी के अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ से इसकी सारी लेमेंट आउट हो गई है, ये देख लें, ये नीचे बैठ गया हुआ है यहाँ से, और ये सारा अंदर चला गया, यहाँ तक कि ये दरवाजे की आप यहाँ से लाइन देख लें, ये कितनी खुल गई है, ये उंगलियाँ अंदर जा रही हैं। ठीक है, ये अंदर से देख लें जी, अंदर से भी इसकी हालत सारी ख़राब हो गई है। ये तो इसकी दो ऑप्शन हैं, या हम इसको रिपेयर कर लें या इसको चेंज कर लें। तो अगर इसको चेंज करते हैं उसमें जो है ना वो बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कस्टमर का इतना बजट नहीं है, तो उसमें फिर ये है कि हम इसको इसी को रिपेयर कर देंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो जब यह तैयार होगा उस टाइम पर आप देखेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो रेडी हो गया। दूसरी साइड आपको मैं दिखाता हूँ इसकी, ये देखें जैसे ये होता है ना ऐसे पूरा, और यहाँ से अब आप देखें क्या हालत हो गई है इसकी। तो ये सारी करेंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे। बाकी फ्रंट में इसका एक छोटा सा काम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रंट से ना, ये फ्रंट से भी लगी हुई है गाड़ी थोड़ी सी, ये बॉडी किट वगैरह इस पर लगी है, इनका भी कुछ पता नहीं क्या करना है। बहरहाल जब ये आएगा इसका सामान सारा तो फिर यहाँ से देख लेंगे। ये फेंडर इसका यहाँ से ना थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, इसकी ड्राई डेंटिंग करके इसको सेट करना है, बाकी बम्पर वगैरह इसका आगे से सेट करके देना है। तो यही इस गाड़ी का मेन काम है, इंशाल्लाह इसका अभी काम शुरू करने लगे हैं। कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छा काम हो। और अगर आपने इसकी कम्प्लीट वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई क्वेश्चन है फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर मज़ीद अपडेट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये सिविक चेक कर लीजिए, माशाल्लाह तैयार हो गई है। इसका फेंडर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा डैमेज था, आपको मैंने पहले दिखाया भी है, तो हमने प्रॉपर जो है ना इसको तैयार कर दिया। अब इसकी कंडीशन देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ये रिपेयर होने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि कस्टमर का बजट नहीं था इसलिए फिर हमने उसी को ही रिपेयर किया और बिल्कुल जो है ना ब्रांड न्यू कंडीशन में हो गया। इसकी नोकदार चेक कर लें, बम्पर की फ़िटिंग चेक कर लें, दरवाजे के साथ लाइन चेक कर लें, बिल्कुल जो है ना फिटिंग ज़बरदस्त हो गई है। इसका कलर चेक करें, शाइन चेक करें, बेहतरीन हो गई माशाल्लाह। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये फेंडर आपको कैसा लग रहा है, कैसा काम आपको लग रहा है। और इसका बम्पर जो है ना वो टूटा हुआ था, तो इसका बम्पर जो है ना वो हमने नया डाल दिया। एक लाइट इसकी टूटी थी, वो लाइट इसकी चेंज कर दी गई है। और ये हमारी वर्कशॉप अशरफ ऑटो इंजीनियर के नाम से जेल रोड लाहौर में। और बाकी आपको मैं दूसरी साइड भी इसकी चेक करवा देता हूँ, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। तो अब आपको मैं इसका फ्रंट भी दिखा देता हूँ, फ्रंट इसका चेक कर लें। माशाल्लाह फ्रंट इसका काफ़ी ख़राब था, इसका बम्पर बहुत ज़्यादा डैमेज था आगे से, क्योंकि इसके ऊपर ये फाइबर की किट लगी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी और बहुत ही लो क्वालिटी जो है ना वो इसके ऊपर किट लगी हुई थी। तो उस किट को जो है ना वो हमें रिपेयर करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कस्टमर से रबता नहीं था हो पा रहा। बम्पर भी ये चेंज होने वाला था, क्योंकि इसके नक्के वगैरह सारे साइड पर क्लिप्स जो हैं वो सारे टूटे हुए थे, तो ये बम्पर जो है ना चेंज होने वाला था, लेकिन हमने फिर उसी को जो है ना वो तैयार किया। बम्पर को ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तैयार हो गया, इसका फ्रंट, इसकी जो भी ग्राउंड सारी तैयार किया वो बड़ा खूबसूरत हो गया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारी वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वर्कशॉप पे विज़िट कर सकते हैं। अशरफ ऑटो इंजीनियर जे रोड लाहौर हमारी वर्कशॉप का एड्रेस है, और दिए गए नंबर पे जो है ना आप रब्ता कर लें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने बाइक को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।